गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग अभी जाएंगे ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स हम लोगों ने देखा, ऑर्बिटल्स पे जाएंगे। ऑर्बिटल्स जो हम लोगों को हेडिंग लिखा है, ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसका जो सिंबल आता है एस पी डी एफ जी एच डैश डैश कर सकते हैं। एस मीन्स सार, पी मीन्स प्रिंसिपल, पी मीन्स प्रिंसिपल, डी मीन्स डिफ्यूज, डिफ्यूज, एफ मीन्स फंडामेंटल, फंडामेंटल। इसकी हम लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन जानने के लिए मैंने लिखा है एसपीडीएफ। ऑर्बिटल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एसपीडीएफ से, और एसपीडीएफ एफ तक जाएंगे तब तक तो हमारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स है सब आ जाएंगे उसमें, तो एसपीडीएफ में सब आ जाएंगे। एसपीडीएफ जो है एस पी डी एन एफ, ये जो ऑर्बिटल है, जी एच तो मैं अभी लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि उसकी हम लोगों को बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। एस जो है एस ऑर्बिटल्स, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टू। पी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन जो अप्लाई कर सकते हैं सिक्स। डी के अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं टेन, और एफ के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं फोर्टीन। तो देखो, ये जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, और एफ जो ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितने अरेंज कर सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल में हम लोग अरेंज कर सकते हैं टू, पी में सिक्स, डी में टेन, और एफ में फोर्टीन। अभी जो इलेक्ट्रॉन जिसमें अरेंज करना है, वो जो ऑर्बिटल्स है, वो ऑर्बिटल्स को हम ऐसे बॉक्स में दिखा दें। तो वन बॉक्स जो होता है, ये जो सेल होता है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप कर सकते हैं टू। और इलेक्ट्रॉन को जब भी हम लोगों को बताना है तो एरो से दिखाइए और मेरी तरह ऐसे दिखाइए, लेकिन एक एरो ऊपर होना चाहिए, एक एरो नीचे होना चाहिए। अगर हमको पी ऑर्बिटल्स में सिक्स इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो हम लोग को तीन बॉक्स, तीन सेल बताना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच और छः, ऐसे करके हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अभी टेन इलेक्ट्रॉन जो मुझे दिखाना होता है तो मुझे फाइव सेल चाहिए, तो ऐसे करके हम लोगों को दिखाना पड़ेगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, ऐसे दिखाएंगे। अभी 14 इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करना है तो मुझे ऑर्बिटल्स कितनी चाहिए, तो ऑर्बिटल्स चाहिए मुझे सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो सेवन 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें फिलअप कर सकते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स है उसे एस कहा जाए, लेकिन पी जो ऑर्बिटल है उसकी जो पैरा ऑर्बिटल, इसे पैरा ऑर्बिटल बोला जाता है, इसे कहा जाएगा पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, पैरा ऑर्बिटल कहा जाए। डी ऑर्बिटल की पैरा ऑर्बिटल कितनी है, तो फाइव, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं अगर हमको लिखना होता है तो। 14 जो है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, बहुत बड़ी है, एफ वाई एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एफ जेड क्यूब एफ एक्स जेड स्क्वायर एफ वाई जेड स्क्वायर। ये जो ऑर्बिटल्स है हम लोग, और एक रह गई एफ एक्स वाई जेड, इतनी सेवन ऑर्बिटल्स जो है वो सेवन नंबर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसे इसकी पैरा ऑर्बिटल नहीं होती है, तो ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है इसको। तो एसपीडीएफ जिसे हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिटल्स का मीनिंग होता है कि न्यूक्लियस की अराउंड का जो एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, वो जो एरिया है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एसपीडीएफ जीएच, हम लोग फोर ही ऑर्बिटल्स देखेंगे सब, एस पी डी और एफ। तो ये जो ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, ये पहले देखना है। फिर बाद में वो देखना है कि एस ऑर्बिटल की पैरा ऑर्बिटल तो एक ही है,
पी ऑर्बिटल की पैरा ऑर्बिटल जो थ्री है होगी होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करना होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। डी ऑर्बिटल की पैरा ऑर्बिटल 5 होगी क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होता है। एफ इलेक्ट्रॉन की पैरा ऑर्बिटल 7 होगी क्योंकि उसमें 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप करना होता है। एक बॉक्स जो एक जो सेल दिखाई जाता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है SPDF ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल्स किसे कहा जाता है और ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे चलूंगा, पोज करके इसको भी नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप भेजना है। ओके, देखिए SPDF जो ऑर्बिटल की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, SPDF वो ऑर्बिटल की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आगे चलेंगे। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स कितनी है, मुझे SPDF कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, S में किया जाता है 2, P में किया जाता है 6, D में किया जाता है 10, F में किया जाता है 14, तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग फिलअप कर सकते हैं। और उसमें पीरियोडिक है, अभी जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, समझो कि मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, तो हम लोग 10th में लिखते थे 281, कैसे, तो 11 है 281, 288, 18, 32 ऐसे लिखते थे। अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखना है, अभी मैं जो बता रहा हूँ वैसे लिखना है। उसके लिए हम लोग को एक डायग्राम लगेगा, डायग्राम, ये जो डायग्राम है एनर्जी लेवल का डायग्राम है, एनर्जी लेवल का डायग्राम है। वो जो डायग्राम है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपकी बुक में भी दिया गया है लेकिन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो एक्सप्लेन किया जाता है एन से, स्मॉल एन, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। वो फर्स्ट नंबर का एनर्जी लेवल एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, उसमें जो ऑर्बिट आती है, ऑर्बिटल्स आती है वो 1s। एस ऑर्बिटल तो है लेकिन उसका क्वांटम नंबर 1 है, इसके लिए 1s कहा जाता है। सेकंड नंबर जो है n2, सेकंड नंबर का एनर्जी लेवल है उसमें 2s, और उसमें 2p ऑर्बिटल भी होती है क्योंकि एनर्जी लेवल 2 है, उसमें 2 ऑर्बिटल्स आएगी s और p, तो एनर्जी लेवल 2 है इसके लिए आगे लिखा जाता है 2s और 2p। n इज इक्वल टू 3 तो उसमें लिखा है 3s, 3p एंड 3d। आपको पता चल जाएगा कि एक एक ऑर्बिटल जो है वो इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट एनर्जी लेवल s ही होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल एस और पी दोनों होंगे, थर्ड एनर्जी लेवल एस पी डी 3 होंगे, फोर्थ एनर्जी लेवल तो फोर एफ भी होंगे। एन इज इक्वल टू 4 तो 4s, 4p, 4d और कौन सा होगा 4f। एफ से आगे हम लोग नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5s, 5p, 5d एंड 5f, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ये जो मैंने लिखा है उसे कहा जाता है एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल को ड्रॉ किया जाता है। देखो एनर्जी लेवल अगर याद नहीं रहता है तो पहले n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 लिख जाओ, और फिर बाद में 1s 2s, सेकंड नंबर से 2p स्टार्ट करो, 2p 3p 4p, थर्ड नंबर से 3d 4d 5d, फोर्थ नंबर से 4f 5f, ऐसे लिख सकते हैं। और मैं इसमें एरा जैसे मार रहा हूँ वो बराबर देखिए, एरा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो बराबर देखिए क्या कर रहा हूँ। देखिए ये एरो जो मैंने ड्रॉ किया है वो देखिए, एरो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर ये जो डायग्राम जो है वो हम लोगों को आ जाए तो ऐसा सोच लो कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। देखो Na, Na का एटॉमिक नंबर है 11, अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखनी है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट नंबर से ऐसे आना है 1s, 1s लिख दिया, लेकिन ऑर्बिटल है जो s, तो s ऑर्बिटल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 2, तो लिखा जाएगा 1s2, बराबर देखिए। अभी इसमें ये जो एरा है इसमें दूसरी कोई ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन यहाँ से सेकेंड एरो में देखेंगे तो 2s ऑर्बिटल है, कॉमा करके लिखिए 2s,
ये भी ऐसे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितने फिलअप कर सकते हैं? टू। ओके, अभी मैं यहाँ से ये जो सेकंड एरो जो मैंने दिखाया उसमें दूसरी ऑर्बिटल्स नहीं है, थर्ड नंबर के एरो जो है उसमें 2p आएगा, उसका जो नंबर आएगा 2p, लेकिन 2p में मैं कितना फिलअप कर सकता हूँ? मैक्सिमम फिलअप कर सकता हूँ 6, तो मैंने लिख दिया। लेकिन ये भी सोचते रहिए कि मुझे करना कितना है 11, तो 11 होना है, 2, 2, 6, 10 हो गया। अभी 2p के बाद में कौन सा आएगा? 3s, अभी 3s आएगा। अभी एस आया तो उसमें कितना फिलअप कर सकते? 2, लेकिन मुझे करना कितना होता है? 11, तो मैं यहाँ 2 नहीं लिखूंगा, 1, क्यों? फिलअप तो मैं 2 कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए एक ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके एनर्जी लेवल से आप लोगों ने ये लिखा है। कैसे लिखा है मैं बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर का एनर्जी लेवल जो है वो यही है, 1 फर्स्ट नंबर का, और फर्स्ट नंबर का जो एनर्जी लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग लिखते थे 2। लेकिन सेकंड नंबर का जो एनर्जी लेवल है उसमें 2 ऑर्बिटल दिखाई देती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 6। 6 + 2 = 8, 6 + 2 = 8, सो यहाँ लिखते हैं 8। और थर्ड नंबर का जो एनर्जी लेवल है, थर्ड नंबर का, उसमें एक ही ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 1, इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करना और ये जो हम मैंने बताया वो बराबर आ जाए तो हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1s2। क्यों 1s2? तो फर्स्ट नंबर की जो ऑर्बिटल है उसमें 1s ही आई और s में इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप कर सकते हैं? 2। और सेकंड 2s, देखिए उसमें भी 2, फिर बाद में 2p, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी काउंट करना होता है, 2, 2, 4, 10, 12, मुझे करना है 20, तो मैं आगे चल सकता हूँ। 3s, अगर इसमें जाऊँगा तो 3p में कितना होता है? तो 6। ओके, फिर काउंट कर लेता हूँ, 2, 2, 4, 10, 12 और 6, 18, मुझे कितना करना है? 20। अगर 3p के बाद में कौन आता है? तो 4s, 4s में कितना फिलअप कर सकता है? 2, तो अभी देख लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18 एंड 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अगर हम लोग ये देखें तो हम लोग क्या लिखते थे, 20, तो हम लोग लिखते थे 2, 8, 8, 2, ऐसे लिखते थे। अगर ये सोचना था तो मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, एक ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके लिए यहाँ लिखा जाएगा 2। सेकंड एनर्जी लेवल जो है उसमें 2 ऑर्बिटल्स है और टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसके लिए यहाँ लिखा जाता है 8। थर्ड नंबर का एनर्जी लेवल जो है उसकी ऑर्बिटल भी 2 है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 8, इसके लिए यहाँ लिखा जाता है 8। और फोर्थ नंबर की जो एनर्जी लेवल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, इसके लिए यहाँ लिखा जाता है 2। ऐसे करके आप किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोगों को ये डायग्राम जो है वो एनर्जी लेवल का डायग्राम जो है वो हम लोग को आना चाहिए। तो इसको नोटबुक में ड्रॉ कीजिए और व्हाट्सएप मुझे कीजिए। ओके स्टूडेंट।